हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका देवडी और आज हम बात करेंगे एंड्रॉयड फ़ोन की बैटरी के बारे में। दोस्तों, हमने अक्सर ही अपने सर्कल में सुना होगा, कोई ना कोई हमारा दोस्त कह देता है कि मैंने सुबह बैटरी चार्ज की थी बट शाम को ऑफिस क्लोजिंग होते होते बैटरी पूरी ड्रेन हो गई है, यानी कि बैटरी ख़त्म हो गई है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आज आपको टिप्स दूंगा कुछ। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि मैं वो टिप्स नहीं दूंगा जो नॉर्मली आप YouTube वीडियोस में देखते हो, किसी के रिव्यूज़ में देखते हो। नो, वैसे टिप्स नहीं दूंगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि ब्राइटनेस कम कर दीजिए या फिर हाई एंड ग्राफिक्स वाली गेम्स मत डाउनलोड कीजिए, मत खेलिए, या फिर अगर उनको खेलना है तो लो विजुअल मोड में खेलिए, या फिर तीसरा जो अल्टरनेटिव दिया जाता है कि आप 4G को ऑफ कर दीजिए, 3G को ऑफ कर दीजिए। नो, मैं ऐसा कुछ भी सजेशन नहीं देने वाला हूँ हवा में, क्योंकि अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आप 4G यूज़ नहीं कर रहे, 3G ऑफ कर दिया, तो उसमें क्या फ़न है? वो स्मार्टफोन का पर्पस डिफीट कर देता है। तो मैं आपको जो भी टिप्स दूंगा वो लॉजिकल होंगे, विद टेक्निकल सपोर्ट होगा वो। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, जब भी आपके हाथ में कोई भी फ़ोन आता है, जैसे इस समय मेरे पास ओनर 6X है ये, जिस पे मैं डेमो दे रहा हूँ आपको, तो कोई भी नया फ़ोन होता है किसी भी ब्रांड का होता है, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर ऐप्स ऐसी होती हैं पहले से प्री इंस्टॉल्ड होती हैं जो आपके किसी काम के नहीं होती या आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं होता, आपको लगता है कि फालतू की ऐप्स हैं। तो सबसे पहले तो उस ब्लॉटवेयर यानी कि वो फालतू की ऐप्स लगती हैं आपको, उसको उनको आपने अनइंस्टॉल करना है या डिसेबल करना है, क्योंकि कई बार अनइंस्टॉल की ऑप्शन नहीं होती तो आपको डिसेबल करना है। सेटिंग्स में गए, ऐप्स में गए, तो यहाँ पर सभी ऐप्स हैं जो आप डिसेबल करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि ये मैं पहले से यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसमें ज़्यादातर ऐप्स डिसेबल कर चुका हूँ। पर अभी देखते हैं, मैं आपको इसको मैं इनेबल करता हूँ, गूगल प्ले बुक्स को मैंने इनेबल कर दिया। अब देखिए, अगर आपने गूगल प्ले बुक्स को डिसेबल करना है तो गूगल प्ले बुक्स में गए, आपने सीधा डिसेबल नहीं करना है, आपने स्टोरेज में जाना है, यहाँ पर क्लियर डाटा करना है। क्लियर डाटा करने के बाद कैश मेमोरी भी आपकी 0 bytes हो गई, डाटा भी आपका 0 bytes, आपको बैक जाना है, फिर फोर्स स्टॉप करना है, फिर आपको डिसेबल करना है। तो ये डिसेबल करने का एग्जैक्ट प्रोसीजर है, आपको कैसे डिसेबल करना है। और इसी तरह दोस्तों, अगर आपको अनइंस्टॉल करना है तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी थर्ड पार्टी अनइंस्टॉलर यूज़ मत कीजिए, कोई भी ऐसी ऐप मत इंस्टॉल कीजिए जो अनइंस्टॉल का क्लेम करती हो। आप इसे मैनुअली क्लीन अनइंस्टॉल कीजिए। जैसे कि ये XDA ऐप है मेरे पास, मैं इसको अनइंस्टॉल करता हूँ। अब आपको तरीका बताता हूँ क्या तरीका है, इसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है। ये गए आप मैनुअली वहाँ पे, उस ऐप पे XDA ऐप है ये, तो सबसे पहले आपने वैसे ही जैसे डिसेबल करते समय गए तो स्टोरेज में जाना है, स्टोरेज में जाके आपको क्लियर डाटा करना है सबसे पहले। अब देखिए, डाटा 0 byte, कैश मेमोरी भी 0 bytes, तो आप बैक जाएंगे, अब इसको फोर्स स्टॉप करेंगे, अब इसे अनइंस्टॉल करेंगे। ये क्लीन अनइंस्टॉल होता है। क्लीन अनइंस्टॉल से मतलब कि जब अगर आप डायरेक्टली अनइंस्टॉल कर देते हो या फिर थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू अनइंस्टॉल करते हो, तो जो कोई भी ऐप है उसकी एक फ़ाइल नहीं होती, उसकी काफ़ी फाइल्स होती हैं जो आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करके आपको इफेक्टिव रिजल्ट देती हैं। तो जब आप वैसे अनइंस्टॉल करते हो आप किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू या सीधा अनइंस्टॉल करते हो, तो कुछ फाइल्स बची रह जाती हैं फ़ोन मेमोरी पे, और वो फाइल्स अपनी कंपेनियन फाइल्स को ढूंढती रहती हैं जो कि आप के अनइंस्टॉल प्रोसीजर में डिलीट हो चुकी होती हैं। तो वो उसको सर्च करती हैं फाइल्स, तो उसमें रिसोर्सेज लगते हैं आपके फ़ोन के, आपकी बैटरी कंज्यूम होती है उसमें। तो ये आपने जब भी करना है क्लीन अनइंस्टॉल करना है, जैसे अभी मैंने किया है, और मैनुअल तरीके से करना है, स्टेप बाई स्टेप। इससे आपका फ़ोन पे जो फालतू का जंक है वो आपके पास नहीं डिपॉजिट होगा यहाँ पे फ़ोन पे। और उसके बाद कई दोस्तों की आदत होती है कि कुछ क्लीनिंग सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करते हैं, जितने भी मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में देखे हैं 90% के पास क्लीनिंग सॉफ्टवेयर कोई ना कोई होता है, और सेकेंडली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उन्होंने डाला होता है। तो सबसे पहले तो आप जब ऐसी कोई क्लीनिंग ऐप आप यूज़ करने जा रहे हो, तो उससे पहले आप ये चेक कर लीजिए अपने फ़ोन पे अच्छी तरह से कि कहीं इनबिल्ट तो नहीं है इसमें कोई वैसी ऐप। अगर इनबिल्ट है तो आपको थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ओनर 6X में
बहुत ही अच्छी ऐप है एक फ़ोन मैनेजर यहाँ पे। तो फ़ोन मैनेजर में हम गए तो इसमें देखिए सबसे पहली ऑप्शन क्लीन अप की ही है, जो कि क्लीन मास्टर या पावर क्लीन जो आप थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ करते हो रैम मैनेजमेंट के लिए या मेमोरी क्लियर करने के लिए, तो उससे बेटर तरीके से ये काम करती है। अब देखिए इस ऐप को खोलते ही ये ऑप्टिमाइजेशन इसने खुद ब खुद शुरू कर दिया है। अब मैं क्लीन अप में जा रहा हूँ, क्लीन अप में मैं गया तो सारी चीज़ें खुद क्लीन कर रहा है ये, जो कि क्लीन मास्टर या पावर क्लीन जैसी ऐप्स करती हैं, वो ही काम है यहाँ पे, बट बेटर तरीके से, क्योंकि ये एम्बेडेड है, ऐप इनबिल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से हुआवे की ओनर की तरफ से प्रोवाइड की गई है, तो इसकी एफिशिएंसी बेटर है और ये रिसोर्सेज कम से कम यूज़ करती हैं। जब आप थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करते हो वो कंटिन्यूसली बैकअप में चलती रहती है बैकग्राउंड में, तो वो आपकी कंटिन्यूसली बैटरी ड्रेन करती रहती है। तो ये था दोस्तों इस क्लीनिंग ऐप के बारे में। और सेकंड वायरस स्कैन, वायरस स्कैन भी ये बहुत ही अच्छी फीचर है इसमें। ये वायरस स्कैनर है जो अवस्थ का वायरस स्कैनर है, बहुत ही रिप्यूटेड ब्रांड है ये इस फील्ड में, तो आपको वायरस स्कैनर भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी दोस्तों क्योंकि एंड्रॉयड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ये लिनक्स बेस्ड है, तो इसमें वायरस के चांसेस वैसे ही बहुत कम रहते हैं, और अगर आपका मोबाइल फ़ोन लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन पे है तो ऑलमोस्ट चांसेस 0% हो जाते हैं किसी वायरस के पेनिट्रेट होने के। तो ये वायरस स्कैन था दोस्तों। तो अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं उसके बाद हम पॉकेट में डाल लेते हैं तो उसकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है, तो स्क्रीन ऑफ होने के बाद भी ऐप्स चलती रहती हैं कुछ ऐसे। अब इसी में फ़ोन मैनेजर में नेक्स्ट पेज पे आप जाते हो, लॉक स्क्रीन क्लीनअप है यहाँ पे, आप इसमें जाइए, आप इसमें देखिए आपको इसमें पता लगेगा कि कौन कौन सी ऐप्स आपकी स्क्रीन बंद होने के बाद भी चलेंगी। तो अगर आप चाहते हो कि स्क्रीन बंद होने के बाद सभी ऐप्स क्लोज हो जाएं, तो ये क्लोज ऑल का यहाँ पे ऑप्शन है, मैं इसको इनेबल कर दूंगा। तो स्क्रीन बंद होने के बाद कोई भी ऐप इनमें से जितनी भी लिस्टेड हैं कोई भी बैकग्राउंड में नहीं चलेगी, और इसीलिए आप वो ऐप्स बैटरी भी कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो इससे भी आपका बैटरी बैकअप बहुत हद तक बढ़ेगा। पर इसके साथ आपने ये ध्यान रखना कि कुछ ऐप्स होती हैं जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, अब व्हाट्सएप को मैं यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए कि जैसे ही कोई मैसेज आए व्हाट्सएप पे उसको नोटिफिकेशन आए, बेशक स्क्रीन ऑफ ही क्यों ना हो, तो यहाँ से मैंने उसको डिसेबल कर दिया। ऐसे ही अगर आपको कोई और ऐप लगती है यहाँ पे कि आपको इमीडिएट उसकी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। तो ये था दोस्तों। और उससे अगला जो आप सभी को पता है कि आजकल जितने भी फ़ोन आ रहे हैं उनमें एक होता है अल्ट्रा पावर सेविंग मोड, तो आप अगर आप बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हो, बहुत ज़्यादा बैटरी कम हो गई है, आसपास चार्जिंग पॉइंट नहीं है कोई, तो आप इसको ऑन कर सकते हो, और ये ऑन करने के बाद अल्ट्रा पावर सेविंग मोड ऑन करने के बाद आपका फ़ोन एक बेसिक फ़ोन में तब्दील हो जाएगा। बेसिक फ़ोन से मेरा मतलब है कि आप कॉल्स कर पाएंगे और SMS रिसीव और सेंड कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप, कोई डाटा एक्सेस नहीं होगा, कोई इंटरनेट नहीं चलेगा, कोई इंटरनेट बेस्ड ऐप्स नहीं चलेंगे, तो बड़ा बेसिक फ़ोन बन जाएगा, आप वहाँ से थोड़ी हेल्प ले सकते हो। तो ये था दोस्तों, ये कुछ मेन टिप्स थे जिस जो आप इतना ही करोगे तभी आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखेगी अपनी बैटरी में। और एक बार फिर से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको बैटरी में इम्प्रूवमेंट लगती है ये टिप्स फॉलो करने के बाद, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा जरूर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।